शादी में सात फेरे लेते समय पंडित बोलते हैं खास मंत्र, जाने हर एक वचन का मतलब। हिंदू धर्म में शादी का मतलब सात जन्मों का साथ होता है। एक बार किसी के साथ सात फेरे ले लिया तो उस रिश्ते को सात जन्मों तक निभाने का वादा करते हैं। विवाह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक होता है। विवाह के दौरान पंडित कई सारी रस्में और मंत्र पढ़ते हैं। इन्ही रस्मों में लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हैं। इन सात फेरों को करते समय पंडित सात वचनों को संस्कृत भाषा में बोलते हैं। आइए जानते हैं विवाह के दौरान लिए जाने वाले सात फेरों का मतलब और महत्व। तीर्थव्रतोद्योपन्यग्रकर्ममयासहैवप्रियवयनकुर्यायवामाङ्गमायामेतदत्वदीयान्ब्रवीतिवाक्यम्प्रथमान्कुमारी। अर्थ, यदि आप शादी के बाद कोई व्रत उपवास और किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो मैं आपके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हूँ। पूज्यता स्वपित्र ममापितथेश भक्तो निजकर्म कुर्या वामाङ्गमायामे तदा त्वदीयान् ब्रवीति कैयां वचनान् द्वितीयम्। अर्थ, आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं ठीक वैसे ही आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे, परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे आपके वामांग में आना स्वीकार है। जीवनम अवस्थात्रये मम पालना कुर्यात् वामाङ्गमायामे तदा त्वदीयान् ब्रवीति कैयां वचनान् द्वितीयम्। अर्थ, तीसरे वचन में कैया अपने वर से कहती हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे बातों का पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। कुटुम्ब संपाल न सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि काता अंकुरया वामाङ्गमायामे तदा त्वदीयान् ब्रवीति कैयां वचनान् चतुर्थम्। अर्थ, कैया चौथे वचन में ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, अब जब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। इस वचन से यह मालूम होता है कि पुत्र का विवाह तब करें जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने परिवार का खर्चा चलाने लगे। स्वसद्धिकारे व्यवहार कर्मणे वे मामापिल मंत्र था वामाङ्गमायामे तदा त्वदीयान् भूते वच पंचमंत्र कर्ण्या। अर्थ, इस वचन में कैया अपने वर से कहती हैं कि अगर आप घर परिवार के लेन देन में मेरी भी राय हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।